हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। में पुनः आपका स्वागत करती हूँ स्पेशलिटी एक डिवाइन मार्क 11:11 में। तो अभी बज रहा है 10:10। देखो टाइम भी हो गया, एंजल नंबर भी है, मिरर नंबर भी है, सॉरी अलाइन नंबर है। और मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रही हूँ। अब आप पूछोगे मैम इतना लेट क्यों डाला, ठीक है। तो आज दिन भर मुझे डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही थी और उसका कन्फर्मेशन मिला मुझे एक चैनल सॉन्ग के थ्रू। एक शॉर्ट वीडियो है वो इंस्टा पे मिला मुझे, बड़ा ही मैजिकल नंबर था उसमें। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इसको शेयर नहीं करूँगी, आपको डिलीवर नहीं करूँगी, तब तक मेरा कोई काम नहीं होगा और ना मेरा पढ़ने में मन लगेगा ना लिखने में मन लगेगा। मेरा एक भी काम नहीं हुआ आज, ठीक है। तो ये वीडियो, और रात को इतना रात हुआ तो मुझे रहा ही नहीं गया, शायद मैं सो ना पाऊँ। तो मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे देना ही है, शायद बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाए, या बहुत से फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो पिक कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है बहुत कम लोगों के साथ शायद रेजोनेट होगा। जिन लोगों को 9-6 दिख रहा है, या जिन लोगों को 1-2-3-4 या इस तरह से नंबर, ठीक है, या फिर आपको 3-6-9, या फिर आपको दिख सकता है 1-4-4, इस तरह के नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये, और 1-4-3 अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होगा। और हाँ, अभी तो ये 10:10 के 10:10 हुआ था तभी मैंने वीडियो शुरू किया। तो ये एंजल का हमें एक कंफर्मेशन है, एंजल का सपोर्ट है कि ये जो वीडियो है जो मैं बना रही हूँ वो सही जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए इसमें मैसेज होगा उनके मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है। तो इसको क्लेम करना, ओके। तो मैं बता दूं कि आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के साथ ये शायद ज़्यादा रेजोनेट हो जिनके केस में थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, या फिर जिनके मैस्कुलिन की शादी हो चुके हैं, या फिर दोनों ही आप शादीशुदा है, ठीक है, अपने अपने थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। हो सकता है आप सोलमेट के साथ हो, लेकिन जिन लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी एक कार्मिक का रोल निभा रही है उन लोगों के साथ ये ज़्यादा रेजोनेट होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इस टाइम आपके मैस्कुलिन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो गाना, वो शॉर्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वैसे वो इंस्टा का है, लेकिन फिर भी मैं उसका जो लॉन्ग सॉन्ग है यूट्यूब का वो भी मैं कोशिश करूँगी, और वो गाना मैं दे दूँगी आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली कार्मिक के साथ जो लोग हैं, क्योंकि कार्मिक बहुत ही परेशान कर रहे हैं, कार्मिक उनके ऊपर हावी हो चुके हैं, इसीलिए डीएम बहुत सारी चीज़ों में फंसे हैं, ठीक है। जो आप दोनों के बीच में पास्ट में, मतलब जब आपका बबल फेस शुरू हुआ था, उस बबल फेस ने फेमिनाइन आपने बहुत सारे इमोशन उनको दिए हैं, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, आपने बहुत सारे इमोशन इन्वेस्ट करे हैं मैस्कुलिन के लिए, तो वो सारी चीज़ें उनको रिमाइंड हो रही है, स्पेशली बबल फेस। बबल फेस को वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं मैस्कुलिन। हो सकता है फेमिनाइन आपको बबल फेस याद आए, आपको सेक्सुअल एनर्जी भी फील हो, या फिर आपको अचानक से थर्ड पार्टी का नाम दिखे, या फिर नंबर्स तो मैंने बता दिए हैं 9-6-3-3-6-9, ठीक है, उसके साथ में आपको 1-4-4 दिख सकता है, या फिर आपको 1-4-3 या 1-2-3-4, इस तरह के नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये रीडिंग, सॉरी, ये चैनल मैसेज आपके लिए है। जिनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर है उनसे एक डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे आ रही है मैस्कुलिन के लिए, मतलब वो है डिटैचमेंट, मतलब सब छोड़ छाड़ के नहीं आते, डिटैचमेंट जैसे आपके अंदर आता है, आप अपने घर में ही रह के एक डिटैचमेंट की एनर्जी फॉलो करके अपना कर्मा निभाती है, बिल्कुल उसी तरह से मुझे मैस्कुलिन की एनर्जी दिन भर पिक हो रही थी, आपके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है आपको हल्का सा, बहुत ही माइल्ड वाला सरदर्द हुआ होगा,
ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सोने का मन किया होगा, आज आपका मन ही नहीं किया होगा कि मैं थोड़ा सा काम करूं, एक तरह से एक अजीब सा एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आई होगी, और दोबारा अगर आप देखेंगी तो थोड़े टाइम तो आप एक सैडनेस में चली गई होंगी, या फिर अकेला, या फिर एक अजीब सी एंजाइटी, या एक अजीब तरह की फीलिंग जो आपको समझ भी नहीं आ रहा कि अभी तो मैं खुश थी, अभी क्या हुआ, ये क्यों मुझे इतना लेजीनेस जैसा फील हो रहा है। अगर ऐसा कुछ था तो ये आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी थी आज की, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत से फेमिनाइन को मैस्कुलिन ने पास्ट में चूज़ नहीं किया है, वही बात को वो दोबारा दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं कि मैंने इनको चूज़ नहीं किया है, और चूज़ ना करने का रीज़न था इनका ईगो। बहुत से मैस्कुलिन के ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, ठीक है। इन्होंने चीज़ों को ऐसे लिया कि खुद ही करना चाहा, चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करी कि मैं जो करूँगा वो सब सही है, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये वो सारी बातें करके उन्होंने अपने ईगो के बेस पे अपने लाइफ के डिसीजन लिए थे, जिसमें उन्होंने फेमिनिन को चूज़ नहीं किया था। और आज वो समझते हैं कि फेमिनिन एक ऐसी पावर बन चुकी है कि उसके पास सब कुछ है। ये उन फेमिनिन के साथ भी रेजोनेट होंगी जो फेमिनिन अपने इनर मैस्कुलिन के साथ मर्ज होने के प्रोसेस में है, या फिर फेमिनिन अगर आप कमाने लगी है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है, तो ये आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होंगी, क्योंकि मैस्कुलिन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के साथ भी रेजोनेट होंगी जो लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। आपके मैस्कुलिन अगर आउट ऑफ इंडिया है, या फिर आप अलग अलग विलेज में, या फिर आपका अलग अलग शहर है, जो भी है, अगर बहुत दूर रहते हैं तो उनके साथ भी ये ज़रूर रेजोनेट होंगी। आपके मैस्कुलिन आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बहुत अभी भी ईगो बाकी है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि सब के सब मैस्कुलिन, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, क्योंकि अभी भी ईगो है, क्योंकि हीलिंग तो चल रही है, ठीक है। डीएम का ईगो बहुत गंदा होता है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, इतना ईगो होने के बाद, इतना गुस्सा होने के बाद, फिर भी मैस्कुलिन की नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। एक डार्क नाइट या फिर एक बहुत ही डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी डीएम के लाइफ में चल रही है, बहुत ज़्यादा सैड है, पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन है कि क्या करूँ, कैसे थर्ड पार्टी से निकलूँ, या फिर कैसे आपके आपकी तरफ आऊँ, या कैसे पहुँचूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत ज़्यादा हेवी कर्मा दिख रहा है जिन पे मैस्कुलिन की ये एनर्जी है, ओके। तो एंजल नंबर 1, 2, 3 बहुत पावरफुल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, और ये नंबर दिखाता है कि अगर आपको ये दिख रहा है तो ये अलाइन होने का नंबर है। ये दिखाता है कि आप अपने यूनियन के तरफ जा रहे हो, जैसा आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। डीएम की जो हालत है बहुत ख़राब है, डीएम के लाइफ में जिनका जो फाइनेंस है वो, अगर आपका अच्छा हो रहा है तो मैस्कुलिन के लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बहुत सारे जुगाड़ बनाने की फिराक में है, लेकिन फिर भी शुरू से कर रहे हैं, शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिरर नंबर दिख रहे हैं तो आपकी डीएम भी आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, ये जाता क्यों नहीं, मुझे अपने आप पर फोकस करना है, तो सेम एनर्जी मैस्कुलिन की है अभी, वो भी ये सोचते हैं कि ये मेरे दिमाग से क्यों नहीं जाती। अब फेमिनिन को लगता है कि डीएम हमें याद नहीं करते, वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन ऐसा नहीं होता फेमिनिन, उनका एक दिन ऐसा नहीं जाता। सोने से पहले आपका थॉट होता है, और जागने के बाद उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट आप ही का होता है, जैसे आपका होता है। अभी इस बात को आप झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं उसके बारे में सोचती नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोने से पहले मैस्कुलिन के बारे में ना सोचें और उठने के बाद उसकी याद आपको ना आए। तो सेम वो आपका आधा हिस्सा है, वो आपकी सोल है, और वो आपको कंप्लीट, मतलब 100% आपको मिरर करता है, उसके जैसा कोई भी आपको मिरर नहीं करेगा, ठीक है। तो डीएम के दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रही है, जो डीएम ज़्यादा 3D में है या मनी माइंडेड वाले हैं, इनके साथ ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पैसे में दिक्कत आ रही है, हो नहीं रहा है। एक बात बता दूँ, ये जर्नी में मैस्कुलिन को जिन भी चीज़ों पे गर्व रहता है या ईगो रहता है, सबसे पहले यूनिवर्स उसी पे हथौड़ा मारते हैं। और जो 3D में रहने वाले हैं, उनको पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पोजीशन, पैसा, फैमिली, ये वो,
उसी पे उनके वार चल रहे हैं। तो फेमिनाइन आपको बता दूं कि डीएम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, सैड एनर्जी है, अच्छी एनर्जी नहीं है, गुस्सा है, चिड़चिड़ है, एनजाइटी है, आपकी याद आ रही है, बबल फेस चाहते हैं। और यहाँ हमारी फेमिनाइन कंप्लीट सेल्फ लव की एनर्जी में है, वो तो एनर्जी देने से रही, वो चाहती है अगर आए तो अवेकन होके आए वरना ना आए, ऐसी एनर्जी में है, 111 की एनर्जी में वाइब्रेट हो रही है हमारी फेमिनाइन। तो ये था चैनल मैसेज आपके लिए, और ये थी एनर्जी आपके मैस्कुलिन की जो मैं पिक कर रही थी, जो मुझे आपको बतानी थी। कमेंट बॉक्स में मैं वो गाने का लिंक दे दूँगी, और मुझे बताना कि ये किन लोगों के साथ रेजोनेट होती है। इतनी पावरफुल एनर्जी अगर आपकी है इसको क्लेम करना, अगर नहीं है फिर भी करना, ठीक है फेमिनाइन, क्योंकि ये बहुत जिन भी फेमिनाइन की हाई वाइब्रेशन होगी ना उन्हीं के साथ ये रेजोनेट होंगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू, और वो गाना मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप देख लेना।